तो हम लेंगे जो हमारा ट्यूब है इसको, इसको लेने के बाद में ये हिस्से को लेंगे, और लेने के बाद में इसे सीधा कर लेंगे, करने के बाद में यहाँ से थोड़ा बड़ा यहाँ पे जाएंगे, इसे ट्यूब के शेप में ले लेंगे। इसको एकदम सेंटर में लाएंगे, ठीक है ना, तभी जाके एक परफेक्ट गियर। हमारा दांता रेडी हो गया, चिपका दीजिएगा तो पूरा तीखा हो जाएगा। ये हमारा दांता रेडी, अभी से हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम एक सिलेंडर लेंगे, सिलेंडर यहाँ पे लाएंगे और इसे लाके सीधा कर देंगे। सेंटर एकदम बराबर होना चाहिए, अगर सेंटर में गड़बड़ हुई फिर दिक्कत होगी। फिर ये जो होल इतना बड़ा है इसे छोटा कर लेंगे, ये इतना बड़ा साइज है इसको और इतना छोटा। हमारा ये रेडी हो गया, इसे ओके कर देंगे, फिर यहाँ पे लाएं, इसे सीधा करके उठाएंगे। आने के बाद में इसको प्यार से पहले सीधा, फिर यहाँ पे बहुत प्यार से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, जल्दीबाजी कीजिएगा फिर इसको बिगड़ना तय है। उसके बाद में इसे छोटा कर देंगे थोड़ा, ताकि आराम से फिक्स हो सके। इधर भी ध्यान दे दीजिएगा कि ये फिक्स बैठ रहा है कि नहीं। ये जो पार्ट है इसको चाहो तो आप कलर कर दो, ताकि दोनों अलग अलग दिखे, ताकि सेफ अच्छे से बैठा है कि नहीं, कि कोई गड़बड़ है, पता चलना चाहिए ना। ठीक है, पूरा फिक्स बैठे, इसे ओके करना है और यहाँ पे जाना है जोड़ वाले चीन पे। ये जो दिख रहा है ना, ये इसे लेके आ जाना है, और ये वाई पे ले जाके बस यहाँ पे ये जो जेंडर है जेड का, रैबिडल जो जेड है, सॉरी वो गलती हो गया था, रैबिडल जेड, रैबिडल जो भी हो, मेरा तो इंग्लिश ख़राब है यार, यहाँ पे 14 लेंगे। ठीक है, ये हमारा फिक्स हो गया। लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये सेंटर पे लाने का, यहाँ पर टच करने का, और इसे ठीक है, और यहाँ पे आने का इसे थोड़ा छोटा कर देना।
ये लगता है कि हाँ कुछ कम दाता है, 14 के बजाय 18 करने का, क्योंकि 18 में पूरा भर जाएगा जो इसका साइज है, पूरा एक गियर का रूप ले चुका है। इसे भी चाहो तो आप पेंट करके सेम कलर दे सकते हो। इन दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन नहीं होगा, यहाँ पे चले जाएंगे सिलेक्शन में और इससे ओके करके पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जाएंगे और इसे ज्वाइन कर देंगे। अब इसमें से अगर हम किसी भी चीज़ को हटाते हैं तो नहीं हटने वाला, ये पूरा का पूरा ज्वाइन हो गया। इस पे हम लाएंगे रिंग को, को इसमें 4 कर दिए। 4 करने के बाद में यहाँ पे कभी टिक नहीं लगाने का, इसको खाली रखने का, हो गया। उसके बाद में ये बिंदुत को लेने का, ये जो हिस्सा है इस पे टैप करके लेंगे, ऊपर मार्क लगाओ या टैप लो। टैप लेने के बाद में यहाँ लिंक कीजिए, ये जो है ना ये चारों कोण जैसे ये देख रहे हो वाइट हो गया, ये सेंटर हो गया, ये जो लाल वाला बिंदु है जो माउस के साथ में घूम रहा है इसे एक बराबर लाने का, फिर दबा कर यहाँ पे ओके करके खींचने का। ठीक है, फिर ये बन गया पूरा 4 पोल। ठीक है, 4 नहीं 6 हो गया। अब उसके बाद मास्क में जाना है क्या, ये ऊपर है मास्क तो सीधा करने का, और ये जो सेंटर में ये जो लिंक है ये वाला इसे बंद कर लेना। अब हमें क्या करना है, सेंटर में रख के इसे खींचना है दोनों। फिर यहाँ मास्क में जाना है और जाने के बाद कलर कर देना है। फिर यहाँ पे जाके प्ले कर देना, जैसे आप चाहो तो बड़ा छोटा जो भी करके देखना चाहो आराम से देख सकते हो। हमारा जो गियर था वो रेडी हो गया। अगर आप इस चैनल पे नए हो या वीडियो को नए देख रहे हो तो नए देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत लगा है यार बनाने में इसको, एक बार तो मेरा फ़ोन ही हैंग कर गया। चलो ठीक है, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर लेना यार, बहुत टाइम लगता है बनाने में दोस्त। चलो ठीक है, बाय। हाँ और एक चीज़ तो आपको बताना भूल गया दोस्त, यहाँ से वापस जाने का, और जाने के बाद में सेंटर लेंगे, अगर इसका आप चाहते हो इसका फाइल, तो जो है ना ये फाइल में से कोई नहीं चुनने का, अगर कोई इसका यूज़ करते हो या बेचने वाले हो ये यूज करने का, अपने पास जो रखना है यहाँ पे नोमाड में रखना है। ठीक है, यहाँ पे टिक नहीं लगाना है, यहाँ पे स्पोर्ट पे जाना है और यहाँ पे लाके
गियर लिख के यहाँ पे ओके करके अपने पास इस टेक्सचर को सेव कर लेना है, ठीक है। हाँ, अगर इसका आप चाहते हो कि कलर इसे एक परफेक्ट कलर दिखे, ठीक है, इसको पूरा कर दो और ये ऊपर वाले को पीछे ले लो। उसके बाद में इसका और कलर अगर देखने का है तो जो इन्वायरमेंट है किस तरह का आपका ये चाहिए उस तरह का आप कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये कलर मुझे अच्छा लगा। मैं तो यही कलर रखने वाला हूँ, है ना हमारा मैसेज। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्त। चलो ठीक है, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। बहुत मेहनत लगे। अगर ये आपको प्रोजेक्ट चाहिए, अगर आपके पास 3D प्रिंटर है, हमें एक ईमेल कर देना, हम आपको ये सेंड कर देंगे। फिर आप ऐसा गियर जितना चाहे उतना बना प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में।